आज के सुरे में हम जेंट्स फिटिंग शर्ट कंप्लीट कटिंग किस तरह की जाती है, शर्ट कटिंग करने के लिए प्रॉपर फ्रंट कटिंग किस तरह की जाती है, बैक कटिंग किस तरह की जाती है, आर्म कटिंग किस तरह की जाती है, हर कटिंग कॉन्सेप्ट को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। यदि आप टेलरिंग में काम सीख रहे हैं या बिगिनर्स है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आता रहे। चलिए, हमारे पास कस्टमर के शर्ट की जो लेंथ है वो 26 इंच है या 26 इंच है, चेस्ट 35 इंच है या 35 इंच है, आर्म या आस्तीन 23.5 इंच है, शोल्डर 17.5 इंच है या 17.5 इंच है, कॉलर 14.5 इंच है। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है। तो सबसे पहले प्रॉपर हमें कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है और नीचे कोई शल नहीं रहना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे पास शर्ट का जो पना है वह ज्यादा है, तो पना ज्यादा होने के कारण हमने देखिए कपड़े को कुछ इस तरह से बिछाया है। सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग समझ लेते हैं। देखिए, यहां से हमें डिफेक्टिव कपड़ा या रेशेदार कपड़े को पहले अलग कर लेना है। देखिए, रेशेदार कपड़े को हमने अलग कर लिया है और हम यहाँ पे ओपन शर्ट कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले प्लेट के लिए हमें मार्किंग कर लेना है, जो कि हम 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, सभी जगह से बराबर होना चाहिए। देखिए, प्लेट के लिए 2.5 इंच की हमारी मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे एप्पल शर्ट या ओपन शर्ट की कटिंग करना है, तो दामन के लिए हमें 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना होता है और 1/2 इंच सिलाई में जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे कस्टमर की जो लेंथ है वो 26 या 26 इंच है, तो यहाँ पर हम 27 इंच ले रहे हैं, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच दामन में जाएगा। और जब हम फ्रंट की बैक की कटिंग करेंगे तो बैक की कटिंग में शोल्डर साथ में आने वाला है, इसीलिए 1/2 इंच इसलिए हमें ज्यादा लेना होगा। तो हमने 27 इंच पे मार्क किया है, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, 1/2 इंच दामन में उठेगा और 1/2 इंच शोल्डर बैक के साथ आ रहा है, इसलिए 27 पे मार्क किया है। आर्म होल की मार्किंग की बात की जाए तो चेस्ट 35 है, 35 को 4 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आता है। देखिए, 9.5 इंच आया, चूंकि हमें फिटिंग शर्ट चाहिए तो 1/2 इंच हमने यहाँ पर कम किया है। 8.5 इंच पर हमने यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क किया है। यदि लूज शर्ट होता तो हम 9.5 इंच पर ही मार्क करते, बट फिटिंग शर्ट होने के कारण हमने 1/2 इंच यहाँ पर कम किया है। चलिए, सभी लाइंस को सीधा करने के लिए हमें एक एक मार्क यहाँ पर और लगा लेना है, ताकि सभी लाइन हमारी सीधी आ सके। आर्म होल के लिए आपको ध्यान रखना है, 8.5 इंच पे हमने मार्क किया है, क्योंकि जब आस्तीन की कटिंग की जाएगी तो आस्तीन की कटिंग भी हमें आर्म होल के बराबर ही करना होती है। चलिए, अब सीधी लाइन हमें इस तरह से ले लेना है। अब हमें देखिए यहाँ पे लूजिंग के लिए मार्क करना है, चेस्ट के लिए, तो चेस्ट हमारा 35 को 4 से डिवाइड किया तो 9.5 आया, तो 9.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है। 2 इंच के हमें यहाँ पे लूजिंग देना होती है। तो देखिए, हमारे पास फ्रंट की टोटल चौड़ाई 11.5 इंच है, इसे आप याद रखिए। नीचे भी हमें 11.5 इंच पर ही मार्क कर देना है। यदि कस्टमर का पेट चेस्ट से ज्यादा होता उस कंडीशन में हमें यहाँ पर बढ़ाना होता, बट कस्टमर का पेट कम है इसलिए 11.5 इंच पर ही हमने यहाँ पर मार्क किया है। यहाँ पर सीधे स्केल की सहायता से ले मार्क कर देना है। 2 इंच के लिए देखिए हमें नीचे यहाँ पे शेप देना होगा ओपन शर्ट के लिए, और यहाँ पर चूंकि हमें फिटिंग शर्ट कटिंग करना है इसलिए देखिए हम यहाँ पे हल्का सा शेप ज्यादा ले रहे हैं। यदि आपको लूज शर्ट कटिंग करना हो तो यहाँ पे शेप को आप कम कर सकते हैं, बट हमें फिटिंग शर्ट करना है इसलिए हमने शेप ज्यादा लिया है। एप्पल शर्ट के लिए 2 इंच पे हमें यहाँ पे शेप इस तरह से दे देना है। देखिए, नीचे का हमारी कटिंग कंप्लीट होती है। अब कस्टमर की कॉलर 14.5 इंच है, तो यहाँ पे 3.5 इंच का हम गला ले रहे हैं। यदि 14 से कम होती तो फिर हम 2.5 इंच कर लेते, और 16 से ज्यादा होती तो फिर हम 3 इंच कर लेते, 14 से 16 के बीच में, इसलिए 3.5 इंच हमने गले के लिए मार्क किया है। शोल्डर हमारा 17.5 है, 17.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आया और 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच पे शोल्डर का मार्क किया है। 2 इंच का हमें यहाँ पे झुकाव देना होता है, तो देखिए 2 इंच का हमने यहाँ पे झुकाव दे दिया है।
देखिए अब इस मार्क को हमें सीधे स्केल के सहायता से मिला देना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गले में हमें इस तरह से राउंड शेप देना होता है, तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। चलिए अब यहाँ पर हमें आर्म होल में भी शेप देना होता है, तो आधा इंच अंदर की तरफ हमें एक मार्क कर लेना है। पहले 2 इंच पर किया था, अब हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ सीधे स्केल की सहायता से लाइन ले लेना है और यहाँ पे आर्म होल के लिए इस तरह से शेप दे देना है ताकि हमारी आस्तीन आसानी से फिट हो सके। देखिए हमारी मार्किंग यहाँ पर हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। यदि कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। और यदि कोई वीडियो स्टेप समझ में नहीं आते वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हमारी फ्रंट कटिंग हो चुकी है। नीचे से हमें इस तरह से दामन में इस तरह से शेप देते हुए कटिंग कर देना है। चलिए हमारी फ्रंट कटिंग हो चुकी है, अब हमें बैक कटिंग करना है। तो बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को देखिए इस तरह से हमें लेना है। देखिए फ्रंट के नीचे से ही लेना है। देखिए आप बैक कटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कपड़ा कितना होना चाहिए। तो हमारे फ्रंट की चौड़ाई यदि आपको याद हो तो 11.5 इंच थी, तो जो बैक होती है वो फ्रंट से करीब 0.25 इंच कम कटती है। तो यहाँ पर कम से कम हमें कोर को छोड़ते हुए 10.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। देखिए जो फ्रंट की चौड़ाई है उससे 0.5 इंच कम होना चाहिए, तो 10.25 इंच कपड़ा हमें सभी जगह से मेजर कर लेना है, क्योंकि जो बैक होती है वो फ्रंट से 0.5 इंच कम कटती है। देखिए सभी जगह पर हमने 10.25 इंच कपड़ा ले लिया है और इस तरह से हमें मार्क कर देना, कहीं भी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बैक के साथ हमें शोल्डर की कटिंग भी करना है, तो सबसे पहले देखिए गले के लिए हमें मार्क करना होगा। आगे हमने फ्रंट में गले के लिए मार्क 3.25 इंच पर किया था, यहाँ पर 0.5 इंच बढ़ाकर 3 इंच पर करना है ताकि कॉलर प्रॉपर फिट हो सके। देखिए 3 इंच पर गले का मार्क किया है, 1.5 इंच पर गले के शेप के लिए मार्क हो जाएगा और 3 इंच नीचे हमें फ्रंट को जमाना है। देखिए 3 इंच पर एक मार्क किया है जिसके नीचे हमारा फ्रंट जमाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम फ्रंट को जमा लेते हैं। देखिए फ्रंट को हमें लेना है और 3 इंच के नीचे जो मार्क है इससे मिलाते हुए और आगे की तरफ आप देख सकते हैं हमने 0.5 इंच आगे फ्रंट को किया है, क्योंकि बैक 0.5 इंच छोटी कटती है। देखिए इस तरह से हमने प्रॉपर फ्रंट को जमा लिया है और ऊपर से नीचे तक फ्रंट ने एक जैसा जमना चाहिए। देखिए इस तरह से जमाया है। सबसे पहले शोल्डर के लिए मार्क कर देना है। शोल्डर 17.5 है, 17.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आया। 0.5 इंच सिलाई में जगह तो 9 इंच हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है। यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। देखिए 1.5 इंच पर मार्क आ चुका है, अब हमें इसे सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ पर बैक में हमें इस तरह से शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 इंच ऊपर लिया था तो यहाँ पर भी 3 इंच हमें मार्क कर देना है। देखिए यहाँ पे हमारे शोल्डर की कटिंग भी बैक के साथ हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमें मार्क कर देना है। चलिए अब यहाँ पर गले के शेप के लिए 1.5 इंच के मार्क से इस तरह से हमें शेप दे देना है। देखिए गले का शेप हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट की चौड़ाई 6.5 इंच आई है और यहाँ पर शोल्डर को देखें तो ये भी प्रॉपर 6.5 इंच आया है। दैट मीन्स जब फ्रंट के साथ शोल्डर को जोड़ा जाएगा तो आसानी से यह फिट हो जाएगा। अब चूंकि जो बैक होती है वह फ्रंट से थोड़ी छोटी कटती है ताकि झोल ना खाए, तो पहले हमने बराबरी पर एक मार्क कर दिया है। इसे जब हम कटिंग करेंगे तो 0.5 इंच कम कर देंगे। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से कटिंग कर देना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, यदि कोई स्टेप समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम कंटिन्यू कटिंग एंड स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। देखिए बैक हमें 0.5 इंच यहाँ पे छोटी कर देना है और कोने पर इस तरह से मिला देना है। देखिए हमारी फ्रंट एंड बैक कटिंग हो चुकी है, अब हमें आर्म कटिंग करना है। दोनों आर्म या आस्तीन हमें साथ में कटिंग करना है। देखिए सबसे पहले कपड़े को हमें इस तरह से लेना है। अब आस्तीन के लिए कपड़ा कितना लेना है, तो जितना हमारा आर्म होल है 8.5 इंच हमने आर्म होल रखा था, तो यहाँ पर भी कोर को छोड़ते हुए 8.5 इंच कपड़ा ले लेना है। देखिए हमने यहाँ पे मेजर कर लेना है, कोर को छोड़ते हुए 8.5 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए और इसे इस तरह से बिछा लेना है।
देखिए इस तरह से पहले हमें प्रॉपर मार्क कर लेना है। 8.5 इंच हमें यहाँ पे कपड़ा होना चाहिए। देखिए डिफेक्टिव कपड़े को हमने अलग कर दिया है, यहाँ पे 8.5 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है और 3 इंच का हमें यहाँ पे शेप या गोलाई देना होती है, तो 3 इंच की गोलाई हमें यहाँ पर दे देना है। अब आस्तीन की जो लंबाई है वो 23.5 इंच है और देखिए जितना हमारा सिलाई में दबने वाला है 0.5 इंच कपड़ा हमने पहले ही छोड़ दिया है। अब देखिए हमारे पास आस्तीन की लंबाई 23.5 इंच है और 2.5 इंच का कफ हमें इसमें फिट करना है। तो यदि आप 2.5 इंच का कफ किसी शर्ट में फिट करते हैं तो आस्तीन से आपको 1.25 इंच कम कर देना है। एक बार फिर से, यदि 2.5 का कप आप फिट करते हैं तो 1.25 इंच कम कर देना है, यदि 3 का कप फिट करते हैं तो आपको 2.25 इंच यहाँ पे लंबाई कम कर देना है। जब कप फिट होगा तो आपकी शर्ट की लंबाई आ जाएगी। देखिए हमारे पास 2.5 का कप फिट करना, तो हमने 1.25 इंच कम किया है। देखिए 1.25 इंच आप देख सकते हैं, करीब हमने 1.22 इंच पर एक मार्क किया है। देखिए 1.22 इंच पर हमारे आस्तीन की मार्क आ चुका है। जब 2.5 इंच का इसमें कप फिट किया जाएगा तो आस्तीन की जो लंबाई है 23.5 इंच हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर सीधा मार्क कर देना है, क्योंकि हमारा कस्टमर दुबला पतला है और उसे फिटिंग शर्ट चाहिए, तो यहाँ पे 1.25 इंच पर हमने एक मार्क किया है। यदि मोटा कस्टमर होता तो यहाँ पे 6 इंच पर हमें एक मार्क करना होता। देखिए अब जो हमने 8.5 इंच पर मार्क किया था उससे मिलाते हुए इस तरह से हमें मार्क कर देना है और 3 इंच का यहाँ पे हमें शेप देना है। जब हम आस्तीन की प्रॉपर कटिंग करेंगे तो इसे हम किस तरह शेप दिया जाएगा समझ लेते हैं। कई बार कस्टमर को आस्तीन फिटिंग चाहिए होती है तो आप इस तरह से ऊपर से इस तरह से शेप दे सकते हैं, बट ध्यान रखें नीचे तक आपको शेप नहीं देना है। इस तरह से शेप देने से आस्तीन की फिटिंग आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब जिस तरह से हमने मार्किंग किया है उसी तरह से कटिंग कर देना है। देखिए आस्तीन में प्रॉपर शेप किस तरह से दिया जाएगा, किस तरह आस्तीन पट्टी के लिए जगह काटी जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए जिस तरह से मार्क किया उसी तरह से हमें कटिंग कर देना है। अब आस्तीन पट्टी के लिए सबसे पहले हमें इसका 1/4 ले लेना है। देखिए इसका 1/4 हमें कर देना है, 1/4 पर एक मार्क कर लेना है और इसे देखिए आस्तीन पट्टी के पीछे की तरफ बनाई जाती है और 5.25 इंच पर बनाई जाती है, तो जो 1/4 का मार्क आया उससे 0.5 इंच अंदर की तरफ हमें 5.25 इंच पर एक मार्क कर देना है। यहाँ पर देखिए आस्तीन पट्टी हमारी बनाई जाएगी और एक कट इस तरह से हमें कर देना है। अब शेप हमें आगे की तरफ देना होता है तो देखिए पहले कपड़े को आपको बराबर कर लेना है और इस तरह से शेप दे देना है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से मार्किंग पहले कर लीजिए ताकि शेप आसानी से दिल सके। शेप एक बार आपको नीचे की तरफ से देना होता है और एक बार इस तरह से ऊपर की तरफ से देना होता है। इस तरह शेप देने से आपके आस्तीन की जो गोलाई होती है वह आसानी से कट जाती है। देखिए हम देख लेते हैं किस तरह इसका शेप आ रहा है। देखिए इस तरह से इसका शेप हल्का सा नीचे की तरफ होते हुए आना चाहिए। अब नीचे भी हमें हल्का सा शेप इस तरह से दे देना है। देखिए हमारे आस्तीन के लिए प्रॉपर शेप यहाँ पर आ चुका है। अब हमें शोल्डर कटिंग कर लेना है। वैसे तो शोल्डर हमारी बैक के साथ आ गया था, बट यदि आप डबल शोल्डर लगाना चाहें तो इस तरह से शोल्डर लगा सकते हैं जिससे शर्ट में आपकी मजबूती आ जाएगी। देखिए शोल्डर की लंबाई 17.5 है और 5 इंच सिलाई में जाएगा, तो 9 इंच पर हमें टोटल शोल्डर की लंबाई आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर कोर के कपड़े को हमें अलग कर देना है। देखिए कोर का कपड़ा अलग हो चुका है। 6 इंच पे हमें शोल्डर यहाँ पे चौड़ाई काटना होती है। देखिए शोल्डर की चौड़ाई कट चुकी है। अब कुछ नहीं करना, जो बैक के साथ हमने शोल्डर बनाया था उसी के साथ हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से एकदम बराबर रखना है, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरह से हमें मिला देना है और इस तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर देना है। देखिए शोल्डर हमारा यहाँ से आ जाएगा। यदि आप डबल शोल्डर लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं। डबल शोल्डर लगाने से आपके शर्ट की मजबूती बढ़ जाती है। देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पे जो हमारा कोर का कपड़ा उसे निकाल देना। तो इस तरह आपने देखा किस तरह प्रॉपर शर्ट कटिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही।